तो आज ना भाई मैं आपके लिए दो ऐसी बाइक्स लेके आया हूँ सेगमेंट वाइज, जहां पे हमारे पास है ग्लैमर एंड SP125, और दूसरे दो सेगमेंट वाइज दूसरी भी दो ऐसी बाइक है जैसे कि लीवो और पैशन प्रो। तो चलिए इन चारों ही बाइक्स को, यानी कि 125 cc की दोनों ही बाइक को 110 cc की दोनों ही बाइक के साथ कंपेयर करके देखते हैं कि आपके लिए 110 cc सेगमेंट में सबसे ज्यादा बेची जाने वाली बाइक पैशन प्रो और लीवो बेस्ट है, या तो फिर 125 cc में टॉप मोस्ट पॉपुलर बाइक्स ग्लैमर एंड SP125 एक ज्यादा बेहतरीन ऑप्शन हो जाते हैं। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल, और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिट टॉक्स में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। लेकिन भाई उससे पहले नीचे दिया गया हुआ सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए, और साथ ही साथ बाजू में दिया गया हुआ बेल आइकन भी प्रेस करना ना भूले, जिससे कि हमारे रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको 110 सीसी की जो लीवो और पैशन प्रो है, उन दोनों में कॉमनली कौन सी चीजें जो ऑफर कर दी जाती है। सबसे पहली चीज, वो दोनों ही बाइक 110 सीसी सेगमेंट तो बिलोंग करती है, लेकिन अगर आप उसे लुक वाइज देखने जाओगे तो वो दोनों ही बाइक एक एग्रेसिव लुक प्रोवाइड करवाती है। जैसे कि अगर आप इन दोनों ही बाइक को साइड में कर दें तो 110 सीसी में दूसरी कोई ऐसी बाइक नहीं है जिसे आप स्पोर्टी 110 सीसी की बाइक में काउंट कर पाए। यानी कि आपको लीवो और पैशन प्रो दोनों ही काफी ज्यादा स्टनिंग लुक प्रोवाइड करवाती है। दोनों ही बाइक के कलर कॉम्बिनेशन ऑप्शन काफी ज्यादा बेहतरीन है। दोनों ही बाइक में आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर भी प्रोवाइड कर दिया जाता है, और दोनों ही बाइक परफॉर्मेंस वाइज एंड माइलेज वाइज भी काफी ज्यादा शानदार देखी गई है अकॉर्डिंग टू दोनों ही बाइक के इंजन और दोनों ही बाइक के बजट। अब हम बात कर लेते हैं पहले की 125 cc सेगमेंट की बाइक्स में आपको, यानी कि एसपी और ग्लैमर में क्या क्या चीजें प्रोवाइड करवा दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें ग्लैमर की, तो वहां पे भी आपको एक सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, एक बेहतरीन हैंडलिंग ऑफर कर दी जाती है, बेहतरीन सिटिंग पोस्चर भी ऑफर कर दिया जाता है, और उस बाइक का जो रेड कलर एडिशन है वो काफी ज्यादा स्टनिंग लुक आपको प्रोवाइड करवाता है। अब अगर हम बात करें SP125 की, तो भाई सबसे पहली चीज जो वहां पे आपको नोटिस होगी, फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, साथ ही साथ वहां पे आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है एक एलईडी हेडलैम्प, जो कि इन सेगमेंट सबसे पहली चीज वहां पे मिलती है। बाकी किसी भी 125 सीसी बाइक में कॉम्यूटर सेगमेंट की मैं बात कर रहा हूं, आपको फुल एलईडी हेडलैम्प प्रोवाइड नहीं करवा दिया जाता है। साथ ही साथ उस बाइक की जो रोड प्रेजेंस है वो काफी ज्यादा शानदार है। अगर आपके सामने से एसपी एक बार निकलेगी तो आई एम डेफिनेटली श्योर आप उस बाइक को एक बार तो जरूर से नोटिस करने वाले हो। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको इन दोनों ही बाइक के प्लस प्लस पॉइंट्स, इन चारों ही बाइक के प्लस प्लस पॉइंट्स तो बता दिए, लेकिन अब हम जानते हैं रियल में कंपैरिजन करके कि रियल लाइफ में आपके लिए 110 सीसी प्रैक्टिकल ज्यादा रहेगी या तो फिर 125 सीसी। तो भाई सबसे पहले मैं बता दूं कि आप अगर 110 सीसी की तरफ जाते हो तो वहां पे आपको कम क्या क्या मिलने वाला है। सबसे पहला, एक तो कम इंजन पावर मिलने वाली है, साथ ही साथ थोड़ी बहुत फीचर लिस्ट भी कम हो जाने वाली है, साथ ही साथ एक हाई स्पीड स्टेबिलिटी जिसे हम कहते हैं, यानी कि अगर आप हाई स्पीड में ज्यादातर अपनी बाइक चलाने के शौकीन हो, और अगर आप हाई स्पीड में चल रहे हो उस वक्त भी अगर आप अपनी बाइक से माइलेज एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो आपको 110 सीसी में नहीं मिलने वाला। और साथ ही साथ एक फोर स्पीड गियरबॉक्स प्रोवाइड कर दिया जाता है, जो कि आपको 125 सीसी बाइक है वहां पे एक फाइव स्पीड गियरबॉक्स ऑफर कर दिया जाता है। यानी कि इन कंपेयर टू 110 सीसी की बाइक्स के मुकाबले 125 सीसी की बाइक में आपको ज्यादा गियर मिल जाते हैं, ज्यादा अच्छी हाई स्पीड स्टेबिलिटी मिल जाती है, ज्यादा अच्छी बाइक कंट्रोल मिल जाती है इन हाई स्पीडिंग के वक्त, और साथ ही साथ आपको थोड़े बहुत ज्यादा फीचर्स भी वहां पे प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको अगर ज्यादा फीचर, ज्यादा अच्छी हाई स्पीडिंग वाली बाइक चाहिए और थोड़ी ज्यादा पावर वाली बाइक चाहिए, देन 125 सीसी इज द बेस्ट। और अगर हम 125 और 110 सीसी की चारों ही बाइक की प्राइसिंग को देखने जाएंगे तो ग्लैमर आपको तकरीबन 85,000 to 90,000 के आसपास पड़ जाती है, जबकि जो SP125 है वो आपको तकरीबन 90,000 to 95,000 या तो मैक्सिमम देखा गया है मैक्सिमम 1,00,000 के आसपास कहीं कहीं स्टेट्स में उस बाइक की प्राइस टच हो जाती है। और अगर आप 110 सीसी बाइक खरीदते हो तो वो भी आपको नियर टू 80,000 पड़ ही जाती है। तो आई सजेस्ट कि क्यों आप 5,000 या 6,000 रुपए ज्यादा इन्वेस्ट कर लीजिए
और 125 सीसी की बाइक के ऊपर चले जाइए, वो एक ज्यादा बेहतरीन सौदा भी रहने वाला है, और आपका जो रियल लाइफ बाइक चलाने का एक्सपीरियंस है वो भी 110 सीसी की बजाय 125 सीसी में ज्यादा अच्छा हो जाने वाला है। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे किन लोगों के लिए ये दोनों 125 सीसी की बाइक बनी है वो भी मैं आपको फिगर आउट कर दूं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको एक 80,000 के आसपास ऐसी बाइक मिल जाए जहां पे आपको शानदार लुक्स प्रोवाइड कर दिए जा रहे हो, साथ ही साथ एक अच्छी खासी माइलेज यानी कि नियर टू 65 तक की या फिर 70 तक की माइलेज भी मिल जाए, साथ ही साथ अब भाई मैं माइलेज को आगे इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले क्लियर कर दूं कि माइलेज आपकी राइडिंग क्वालिटी पे, आपकी मेंटेनेंस टिप्स पे ज्यादा डिपेंड करती है। सो डोंट टेक इट पर्सनली, कहीं बाइक में देखा गया है कि माइलेज, कहीं पैशन प्रो और लीवो में देखा गया है कि वो बाइक माइलेज अबोव 70 भी प्रोवाइड करवा रही है, और कहीं कहीं लोगों को तो ये दोनों में से कोई भी एक बाइक अब 50 भी माइलेज नहीं प्रोवाइड करवाती, तो वो आपकी मेंटेनेंस टिप्स पे ज्यादा डिपेंड करता है। सो डोंट टेक इट पर्सनली। और तीसरी चीज जो आपको 110 सीसी में मिल जाती है वो है एक लो बजट बट एक अच्छा एंड पावरफुल इंजन, जो कि यहाँ पे आपको इन दोनों ही बाइक में प्रोवाइड कर दिया जा रहा है। और अगर हम 110 सीसी में फीचर वाइज भी देखने जाए तो आपको एक्सेंस टेक्नोलॉजी पैशन प्रो में मिल जाती है, इंजन किल स्विच आपको प्रोवाइड कर दी जाती है वो 110 में, और अगर हम इन सेम फीचर्स को 125 सीसी के ऊपर रखने जाए तो वहां पे तकरीबन सेम सा हो जाता है, क्योंकि ग्लैमर में भी आपको फीचर्स के नाम पे एक एक्सेंस टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और एसपी 125 में नो डाउट फीचर लीवो के मुकाबले काफी ज्यादा सुपीरियर है। अब मैं आपको एक बात क्लियर करूं, मैंने सोचा भी नहीं था कि आज के वीडियो में मैं आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं कि अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो कि आपको लॉन्ग टाइम चलाने के बाद भी कम मेंटेनेंस प्रोवाइड करवा के दे, तो आपको ऐसी बाइक फाइंड आउट कीजिए, 110 सीसी हो, 125 सीसी हो या 100 सीसी, ये मैं ऊपर से कह रहा हूं, इस वीडियो में ये ऐड नहीं है। तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप कोई भी ऐसी बाइक फाइंड आउट कीजिए जहां पे आपको कम से कम टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा दी जा रही हो, क्योंकि ये चीज देखी गई है, कॉमन सी चीज है कि आपको जितनी ज्यादा अच्छी, जितनी ज्यादा बेहतरीन टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवा दी जाती है उतना ही प्रॉब्लम आपको लंबे टाइम तक उस बाइक को चलाने के बाद फेस करना पड़ रहा है। अगर आप एसपी 125 को ही देख लीजिए तो अगर आप उस बाइक को 7 या 8 साल चला लोगे तो भाई उस बाइक में बहुत सारी छोटी मोटी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, और वो प्रॉब्लम ठीक करवाने में वो आपकी आपकी जो जेब है उस पे भारी पड़ सकती है। तो अगर आप लॉन्ग टाइम यूज करने के बाद भी एक लो बजट मेंटेनेंस वाली बाइक चाहते हो तो वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूं तो आप कम से कम लेकिन अच्छी टेक्नोलॉजी जो आपकी जरूरत है बस उसे फ्यूफिल कर दे, उतनी ही टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर देने वाली बाइक फाइंड आउट करें तो वो आपके लिए ज्यादा बेहतरीन सौदा होने वाला है। तो अब हम चलते हैं फाइनल कंक्लूजन की ओर। तो अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 80,000 से अंदर अंदर एक माइलेज प्रेफर बाइक, साथ ही साथ डेली सिटी राइडिंग में कंफर्टेबल राइडिंग वाली बाइक, साथ ही साथ वो बाइक अगर आपको अच्छे लुक के साथ और एक पावरफुल ब्रेकिंग के साथ मिल जाए, ऐसी बाइक अगर आप फाइंड आउट कर रहे हो अंडर 80,000, देन द 110 सीसी सेगमेंट इज बेस्ट फॉर यू। और अगर आपको ऐसी बाइक फाइंड आउट कर रहे हो जिसे आपको सिटी में और कभी कभार हाईवे पे भी और कभी कभार हाई स्पीड में भी चलाने में मजा आए, साथ ही साथ उस बाइक से थोड़ी बहुत माइलेज एक्सपेक्ट कर लेते हो, साथ ही साथ अगर आप कंफर्टेबल राइडिंग और थोड़े बहुत एडवांस फीचर्स चाहते हो इन कंपेयर टू 110 या 100 सीसी के बजाय, देन आपके लिए 125 सीसी की ग्लैमर एंड एसपी 125 दोनों ही यहाँ पे एक शानदार ऑप्शंस बन जाती है। तो बस दोस्तों यही थी हमारे आज की वीडियो, आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आए। तो फॉर मोर डेटा इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड द बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशन अपडेट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द